हाय गाइस, मैं हूँ शिरीन। मेरे चैनल पे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की मेरी रेसिपी है गुलाब जामुन होममेड, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं ली हूँ हाफ लीटर दूध, फुल फैट वाला दूध ली हूँ मैं, क्योंकि इसका मैं बना रही हूँ खोवा गुलाब जामुन के लिए। ये घर में बना रही हूँ मैं खोवा, बहुत इजी है। देखिए, दूध को अच्छी तरह से इस तरह से गर्म करते रहिए धीरे धीरे, तो ये खोवा बन जाएगा। फिर हम बनाएंगे इसके गुलाब जामुन, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे भी बनते हैं, सॉफ्ट। तो पहले खोवा बना लेती हूँ मैं, फिर दिखाऊँगी कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये खोवा बन चुका है। थोड़ा एकदम घट नहीं करना है इसको, क्योंकि इसी में मुझे आटा डाल के गूंदना है। तो अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा करने छोड़ रही हूँ। देखिए कितना आसान है, घर में खोवा, रबड़ी, बहुत चीज़ें बन सकती है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट हेल्दी और कोई भी चीज़ में मिक्स नहीं है, नेचुरल तरीके से सब कुछ घर में बन जाता है बनाने से। देखिए खोवा बन गया है, तो इसको मैं ठंडा करने रख रही हूँ, बाद में हम बताएंगे कि कैसे बनाना है गुलाब जामुन घर में। तो चलिए इसको ठंडा होने देती हूँ मैं, थोड़ा गैस बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है खोवा जो मैं बना के ली थी। आप देख सकते हो कितने अच्छे से बन चुका है। अब भी हम बनाएंगे गुलाब जामुन। पहले इसको अच्छे से ये करना है, एकदम मिक्स करना है, कुछ भी गंटी बट्टी नहीं रहना है। उसके लिए मैं ली हूँ गेहूँ का आटा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। चाहे तो आप मैदा भी ले सकते हो, बट गेहूँ का आटा हेल्दी है, फैट भी नहीं है, तो मैं गेहूँ का आटा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे एक खोवे के अंदर। देखिए घर में कितना अच्छा खोवा बन चुका है, आप देख सकते हो। देखिए, तो अभी देखिए इस तरह से हमें मिक्स करना है, धीरे धीरे करना है, प्यार से, उपली बनने नहीं देना है हमको उसको। यहाँ पे मैं ली हूँ थोड़ा खाने का सोडा, ये देखिए, आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। तो थोड़ा सा डाल दूँ हमें और थोड़ा आटा लगेगा। इस तरह से हमें गूंथ के लेना है। आप चाहे थोड़ा दूध भी डाल सकते हो अगर ड्राई लगा तो। जैसा आटा गूंथते हैं उस तरह से। देखिए थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज़ाफ़रान डाली हूँ, ये देखिए दूध में, तो इसका अच्छा हमको एक टेस्ट मिलेगा गुलाब जामुन में, अंदर अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी धीरे धीरे इसको गूंद के लेती हूँ मैं। इतना अच्छा घर में बनते हैं सब कुछ हेल्दी चीज़ें। चाहे तो हम गुड़ के भी गुलाब जामुन बना सकते, गुड़ की जाएंगी, गुड़ का सिरम। कितना अच्छा मेरा आटा गूंद चुका है, आप देख सक रहे होंगे। बस इसको अच्छे से गूंदना है, थोड़ा और दूध लगेगा उसको। यही दूध ले रही हूँ मैं ज़ाफ़रान का, देखिए। जब तक मेरा गुलाब जामुन का बैटर तैयार करती हूँ, तब तक मैं चाशनी बना के रखती हूँ। इलायची डाली हूँ, ये देखिए, ये पाव किलो शक्कर है, मतलब 200 ग्राम है। चाशनी बना के लेंगे अभी, इसको गैस पे रखती हूँ मैं अभी। तो
चाशनी बनती है मेरा गुलाब जामुन का बैटर, मैं रेडी करके लेती हूँ। देखिए इतना पानी, इतनी शक्कर, ज़्यादा हमको थिक नहीं बनाना है, लाइक गुलाब जामुन की जो रहती है चाशनी वैसे बनाना है, या शुगर सीरम भी बोल सकते हो उसको, या शुगर पान का, या शुगर चाशनी। तो चलिए जब तक बनता है हम गुलाब जामुन का बैटर। तो अभी मैं गुलाब जामुन के लिए घी डाल रही हूँ, देसी घी, आप चाहे तो तेल में भी तल सकते हो। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ मेरे, ये देखिए कितने अच्छे हेल्दी और कितने कलरफुल इसलिए बने क्योंकि मैं इसमें ज़ाफ़रान मिलाई थी, आप देखे हो जब मैं आटा गूंद रही थी, तो देखिए खोवा और गेहूं का आटा, बस इतने अच्छे प्यारे बन गए। अभी तल के दिखाती हूँ मैं, देखिए जो बाहर मिलता है उसमें क्या क्या मिक्स होता है पता नहीं है, बट आप ऐसे घर में बना सकते हो हेल्दी। आप देख सकते हो कितने अच्छे मेरे गुलाब जामुन बन गए हैं। तो अभी मैं तल लेती हूँ उनको फटाफट, तेल गरम हुआ क्या देखती हूँ। घी सारे मैं तल के ली हूँ, गैस भी बंद करी हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे शक्कर के पानी में डाली हूँ, ये जब शक्कर सिरप जब कम सॉरी थोड़ा गरम रहना है तभी आप डालना है इसमें गुलाब जामुन। तो अब हम रखेंगे इसको एक, देखिए गाइस फाइनली मेरे गुलाब जामुन बन के रेडी है, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी। मैं अभी एक आपको बाइट लेके देखती हूँ, देखिए इस तरह से बहुत बहुत यम्मी है। थोड़ा सा मैं खा के देखती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा इसका अंदर तक पक चुका है, आपको ज़रूर पसंद आएगा, मैं भी टेस्ट करती हूँ। बहुत टेस्टी यम्मी, आपको ज़रूर पसंद आएगा, लाइक और शेयर। तो यहाँ पे मैं ली हूँ हाफ लीटर दूध, फुल फैट वाला दूध ली हूँ मैं, क्योंकि इसका मैं बना रही हूँ खोवा गुलाब जामुन के लिए, ये घर में बना रही हूँ मैं खोवा, बहुत इजी है। देखिए दूध को अच्छी तरह से इस तरह से गर्म करते रहिए धीरे धीरे, तो ये खोवा बन जाएगा, फिर हम बनाएंगे इसके गुलाब जामुन, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छे भी बनते हैं, सॉफ्ट। तो पहले खोवा बना लेती हूँ मैं, फिर दिखाऊंगी कैसे बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है खोवा जो मैं बना के ली थी, आप देख सकते हो कितने अच्छे से बन चुका है। अब भी हम बनाएंगे गुलाब जामुन, पहले इसको अच्छे से ये करना है, एकदम मिक्स करना है, कुछ भी गंटी बट्टी नहीं रहना है। उसके लिए मैं ली हूँ गेहूँ का आटा, बहुत अच्छा ऑप्शन है, चाहे तो आप मैदा भी ले सकते हो, बट गेहूँ का आटा हेल्दी है, फैट भी नहीं है, तो मैं गेहूँ का आटा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे एक खोवे के अंदर। देखिए घर में कितना अच्छा खोवा बन चुका है, आप देख सकते हो, देखिए। तो अभी देखिए इस तरह से हमें मिक्स करना है, धीरे धीरे करना है, प्यार से, गुटली बनने नहीं देना है हमको उसको। यहाँ पे मैं ली हूँ थोड़ा खाने का सोडा, ये देखिए आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, तो थोड़ा सा डाल दूँ मैं, और थोड़ा आटा लगेगा। इस तरह से हमें गूंथ के लेना है, आप चाहे थोड़ा दूध भी डाल सकते हो अगर ड्राई लगा तो, जैसा आटा गूंथते हैं उस तरह से। देखिए थोड़ा थोड़ा ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ज़ाफ़रान डाली हूँ, ये देखिए दूध में, तो इसका अच्छा हमको एक टेस्ट मिलेगा गुलाब जामुन में अंदर।
अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी धीरे धीरे इसको गूंद के लेती हूँ मैं। इतना अच्छा घर में बनते हैं सब कुछ हेल्दी चीज़ें। चाहे तो हम गुड़ के भी गुलाब जामुन बना सकते, गुड़ की जाएंगी, गुड़ का सिरम। कितना अच्छा मेरा आटा गूंद चुका है, आप देख सक रहे होंगे। बस इसको अच्छे से भूनना है, थोड़ा और दूध लगेगा उसको। यही दूध ले रही हूँ मैं ज़ाफ़रान का, देखिए। तो अभी मैं गुलाब जामुन के लिए घी डाल रही हूँ, देसी घी। आप चाहे तो तेल में भी तल सकते हो। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ मेरे, ये देखिए कितने अच्छे हेल्दी और कितने कलरफुल इसलिए बने क्योंकि मैं इसमें ज़ाफ़रान मिलाई थी। आप देखे हो जब मैं आटा गूंद रही थी तो देखिए खोवा और गेहूं का आटा, बस इतने अच्छे प्यारे बन गए। अभी तल के दिखाती हूँ मैं। देखिए जो बाहर मिलता है उसमें क्या क्या मिक्स होता है पता नहीं है, बट आप ऐसे घर में बना सकते हो हेल्दी। आप देख सकते हो कितने अच्छे मेरे गुलाब जामुन बन गए हैं। तो अभी मैं तल लेती हूँ इनको फटाफट, तेल गरम हुआ क्या देखती हूँ। घी सारे मैं तल के ली हूँ, गैस भी बंद करी हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे शक्कर के पानी में डाली हूँ। ये जब शक्कर सिरप जब कम सॉरी थोड़ा गर्म रहना है तभी आप डालना है इसमें गुलाब जामुन। तो अब हम रखेंगे इसको एक। हाय गाइस, मैं हूँ श्रीन, मेरे चैनल पे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की मेरी रेसिपी है गुलाब जामुन होममेड, बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ अभी।